उन्नाव गैंगरेप कांड में सरकार और पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच आज तड़के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई सेंगर की रिमांड की मांग कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्नाव गैंगरेप कांड में कई दिनों के नाटकीय घटनाक्रम के बाद आज आखिरकार बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर शिकंजा कस लिया गया है। सीबीआई को केस सौंपने के तुरंत बाद ही जांच एजेंसी ने आनन फानन में आरोपी विधायक पर 3 केस दर्ज किए और आज सुबह करीब 4:30 बजे सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने विधायक से घटना की पूरी जानकारी ली, साथ ही ये पूछा कि जिस दिन घटना हुई वो कहाँ थे। कहा जा रहा है कि सीबीआई विधायक के कॉल डिटेल भी खंगाल सकती है, साथ ही बीजेपी विधायक के भाई से भी पूछताछ की जा सकती है, जिस पर महिला के पिता की हत्या का आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की इस कार्रवाई पर पीड़िता ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि विधायक को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसने उसके पूरे परिवार की खुशियां छीन ली, पूरा जीवन तहस नहस कर दिया, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं इस मामले में चौतरफा घिरे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने भी अब चैन की सांस ली और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विधायक के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई थी, जिसे एजेंसी ने स्वीकार करते हुए यह कदम उठाया। लेकिन सवाल अब ये भी है कि उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।